मंडी नाइट रॉकी 30th एनिवर्सरी का एपिसोड हम सबको याद रहेगा बिकॉज काफी टाइम बाद मंडी नाइट रॉ में कुछ ऐसा हुआ है जो देखने लायक था। दी अंडरटेकर एंड ब्रे वाइट का फेस टू फेस होना, डीएक्स का रीयूनाइट एंड बीस्ट ब्रोक लेसनर भी रिटर्न आ चुके हैं एंड इन सब के बाद मंडी नाइट रॉकी व्यूअरशिप में बहुत बड़ा बूस्ट हुआ है। दरअसल अकॉर्डिंग टू रस्टल कॉमिक्स मंडी नाइट रॉकी ओवरनाइट एवरेज व्यूअरशिप 2.344 मिलियन रिकॉर्ड हुई है जो कि बहुत ज्यादा है, जबकि लास्ट वीक रो की व्यूअरशिप करीब 1.48 मिलियन के आसपास थी एंड यहां पर इतना बड़ा बूस्ट मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप में हुआ है एंड इसी के साथ मंडे नाइट रो की 30th एनिवर्सरी के एपिसोड ने रो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेट क्रिएट करा है बिकॉज रो की 30th एपिसोड में रो की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फैंस अटेंडेंस में मौजूद थे जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बाकी आपको मंडे नाइट रो कैसा लगा एंड आप 5 में से कितनी रेटिंग्स रो को देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताना। बात करें अगली अपडेट की तो कल मंडे नाइट रो में बेंकी लिंच एंड बेली के बीच स्टील केज मैच होना था, लेकिन मैच से पहले ही डेमेज कंट्रोल ने बेंकी लिंच पर अटैक करके मैच स्क्रैप कर दिया एंड इसका रीजन है टाइमिंग। बिकॉज ब्लड लाइन का सेगमेंट काफी लेंथी था एंड कुछ और सेगमेंट्स WWE ने प्लान करे थे मंडे नाइट रो के लिए, इसीलिए बेंकी लिंच एंड बेली के मैच को WWE ने स्क्रैप कर दिया। बाकी दोस्तों ओरिजिनल प्लेन्स के अकॉर्डिंग उस मैच में बेंकी लिंच जीतने वाली थी, लेकिन एट द एंड WWE ने सब कुछ कैंसल कर दिया। बात करें अगली स्टोरी की तो रॉयल रोम्बल की टिकट सेलिंग को लेकर अपडेट है कि WWE ने रॉयल रोम्बल के लिए 40K यानी 40,000 टिकट्स ऑलरेडी सेल कर दी एंड में भी WWE रॉयल रोम्बल के लिए सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर सकती है। बाकी देखना होगा रॉयल रोम्बल इवेंट में कौन अपना शॉकिंग रिटर्न करता है। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ तो मंडे नाइट रो के शुरू होने से पहले अरीना में सेथ रोलिंस एंड दी अंडरटेकर एक साथ स्पॉट किए गए जो कि आप इस फोटो में देख सकती हो। अब यहां पर ये दोनों क्या डिस्कस कर रहे हैं इसका तो नहीं पता, बट ये मोमेंट काफी कमाल का है तो आप लोग चाहो तो रिएक्ट कर सकते हो। बात करते हैं फाइनल स्टोरी की तो अकॉर्डिंग टू रिंग साइड न्यूज WWE ने रसलमेनिया 39 के लिए एक बड़ा मैच पिच करा था ब्रोक लेसनर एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बीच, लेकिन एट द एंड WWE ने उस मैच को कैंसिल कर दिया एंड अब बॉबी लेसली एंड ब्रोक लेसनर का बड़ा मैच रसलमेनिया 39 में हमें देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों समर स्लैम 2022 के लिए ब्रोक लेसनर एंड स्टोन गोल्ड के मैच का प्लेन WWE ने बनाया था, लेकिन स्टोन गोल्ड ने WWE के ऑफर को डिनाइड कर दिया एंड उन्होंने रसल करने के लिए मना कर दिया। बाकी दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टोन कोल्ड रसलमेनिया 39 में बड़ा मैच रसल कर सकते हैं, तो देखना होगा उनके अपोनेंट रसलमेनिया में कौन होते हैं। तो बस ये थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।